Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते दोस्तों, दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो एक दुखद घटना है और इसी बारे में आपसे मुझे चर्चा करनी है। वो घटना आज से 3 साल पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हुई थी, जब सोशियोलॉजी से PhD कर रहे एक स्कॉलर रोहित वेमुला की मृतदेह डेड बॉडी हॉस्टल के अंदर मिली थी। इस घटना ने पूरे देश के एक तरह से पूरे जनमानस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से झकझोर दिया था। और अगर आप घटना को याद करें तो इस घटना के कुछ ही दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन एड्रेस करने के लिए जाते हैं तो 2 छात्र वहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, रोहित वेमुला अमर रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस जाओ और मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। तो ये नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल की अकेली घटना है जब नरेंद्र मोदी को अपने सामने से किसी व्यक्ति से मुर्दाबाद बोला हुआ सुनना पड़ा था। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था, उस भाषण को उन्होंने फिर अपना कंटिन्यू किया और उन्होंने कहा था कि रोहित वेमुला भारत माँ के लाल हैं और उस पर उन्होंने अफसोस भी जताया था कि ऐसी घटना हुई है। आप देखिए कि इसके बाद उस समय जो मानव संसाधन विकास मंत्री थी स्मृति ईरानी, वो जिस शहर में गई वहाँ उनका विरोध हुआ। संसद में जब उन्होंने भाषण दिया तो इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ और आखिरकार जब अगला मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। पूरे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अब 4.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, ये अकेली घटना है जब एक केंद्रीय मंत्री को उनका विभाग इस वजह से बदला गया क्योंकि काफ़ी विरोध हो रहा था और इस रोहित वेमुला की घटना उसमें ट्रिगर थी। इस घटना का आप देखें तो जो मुख्य विपक्षी दल हैं कांग्रेस, उसके प्रमुख नेता राहुल गांधी, वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाते हैं, पूरे दिन का उपवास रखते हैं। इसके खिलाफ BSP बहुत बड़े पैमाने पर विरोध करती है, RJD सड़कों पर उतरती है और RJD घोषणा करती है कि अपने युवा RJD के सारे कार्यक्रम में रोहित वेमुला की तस्वीर लगाई जाएगी। देश के हर विश्वविद्यालय में लगभग इस घटना का विरोध हुआ। तो आखिर ऐसा क्या था कि एक व्यक्ति के सुसाइड की घटना, देखिए भारतीय विश्वविद्यालयों में सुसाइड नहीं होता ऐसा नहीं है, IITs में, एम्स में और तमाम विश्वविद्यालयों में आत्महत्या की घटनाएं होती हैं, छात्र छात्राएं आत्महत्या करती हैं, लेकिन रोहित वेमुला की घटना ने उससे कॉर्ड को कहीं ना कहीं छेड़ दिया, उस तार को छेड़ दिया जिसके वजह से बहुत बड़े पैमाने पर विरोध उत्पन्न हुआ और एक केंद्रीय मंत्री को जाना पड़ा, प्रधानमंत्री को मुर्दाबाद अपने सामने से सुनना पड़ा, संसद में 2-2 दिन तक बहस चली। तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा हुआ क्या, इस घटना में विशेष क्या था। देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात ये कि जो रोहित वेमुला की जब आत्महत्या या संस्थानिक हत्या होती है उससे पहले देश भर के विश्वविद्यालयों के छात्र संगठनों को यह पता था कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में ऐसा कुछ हो रहा है। घटना क्या थी, घटना सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ जो आमतौर पर सारे लोग सहमत हैं, पक्ष विपक्ष के लोग, कि घटना क्या थी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ABVP जो RSS का छात्र संगठन है और अम्बेडकरवादी छात्र संगठन अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों के बीच में एक झगड़ा हुआ। इसमें दोनों तरफ के लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई, जिस तरह के छात्र संगठनों के झगड़े में होते हैं, किसी कोई मतलब बड़ी चोट नहीं थी। इसके बाद लेकिन इस ये मांग हुई विद्यार्थी परिषद की तरफ से कि अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्रों पर कार्रवाई की जाए। RSS के लोकल जो हैदराबाद के नेता थे वो इसमें सक्रिय हुए। फिर वहीं के केंद्रीय राज्य मंत्री बंदारू दत्तात्रेय, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी स्मृति ईरानी को कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। स्मृति ईरानी ने उसके बाद एक के बाद एक 4 चिट्ठियां लिखी वहाँ वाइस चांसलर को कि आप अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन इस मामले में आप कार्रवाई कीजिए और विद्यार्थी परिषद की शिकायत मिली है। तो ये एक राजनीतिक मामला था और इस वजह से भी ये जब मामला बड़ा हो गया तो लोगों को ये लगा कि एक छात्र और या 3-4 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 2-2 केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं और कार्रवाई भी बहुत सख्ती से होती है। उनको हॉस्टल छोड़ने के लिए कहा जाता है, हॉस्टल का सामान बाहर निकाल दिया जाता है और वो छात्र खुले में जनवरी महीने में वो सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिस जगह पर सोते हैं उसको उन्होंने नाम वेलीवाड़ा दिया, दलितों की बस्ती जिसको आप कहते हैं तेलुगु में, और वहाँ पर वो सो रहे थे। उसी दौरान रोहित वेमुला उनमें से एक थे और वो एक दिन हॉस्टल में उनकी लाश टंगी हुई पाई जाती है। तो सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि इसमें केंद्रीय मंत्रियों के स्तर पर जो हस्तक्षेप हुआ उसको लोगों ने बुरा माना कि ये विद्यार्थियों का आपसी झगड़ा था,
वो निपट जाता है। यूनिवर्सिटी के लेवल पर कार्रवाई होती, एक पर होती, दूसरे पर होती, विरोध होता है, लेकिन इस लेवल पर वहाँ पर छात्रों को लगा कि अब इनका करियर खत्म हो गया है, इस निराशा में शायद वो घटना हुई होगी। दूसरी बात, सारे विश्वविद्यालयों में, लगभग बड़े विश्वविद्यालयों में लोगों को पता था कि हैदराबाद में ऐसी घटना हो रही है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन तमाम विश्वविद्यालयों में घूम घूम कर ये बता रहा था कि ऐसी कुछ घटना हुई है, तो स्टूडेंट तैयार थे कि इस तरह की कोई घटना, मतलब एंटिसिपेट वो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो वाकिफ थे कि ऐसा कुछ हो रहा था। जो घटना होती है उसके अगले दिन आप देखेंगे कि दिल्ली में कई विश्वविद्यालयों के छात्र इकट्ठा होते हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री पर प्रोटेस्ट करते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक दिन की हड़ताल हो जाती है। तो अचानक से ये नहीं होता है, इसकी एक तरह से तैयारी होती है। दूसरी बात, दलित संगठनों ने इस मामले को अपने एक मामले के तौर पर लिया, हालांकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैसे बड़े अधिकारी की जांच होती है, वो ये बताते हैं कि वो दलित नहीं था, फिर एक और न्यायिक जांच होती है, लेकिन दलित संगठनों ने माना कि ये व्यक्ति अम्बेडकरवादी था, वो उसकी जाति से ज़्यादा उसके विचारों को महत्व देते हैं, और दलित संगठनों ने इस मामले को पूरे देश में फैलाने का काम किया, और इसकी वजह से इसकी व्याप्ति जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तीसरी बात कि ये जो घटना है इसमें आप देखेंगे कि आमतौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो आमतौर पर अर्बन इलीट अपर कास्ट के लोग आमतौर पर करते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फेसबुक पेज बनता है, लाखों लोग जुड़ते हैं। निर्भया आंदोलन दिल्ली में होता है तो उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया का 2014 के चुनाव में, लेकिन चूंकि वहाँ पर दलितों की भी अच्छी खासी संख्या है, देश की 16% आबादी है, हर छठा आदमी इस देश का दलित है, तो उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, तो एक तरह से जो डिजिटल दलित आप जिसको कह सकते हैं, उनका एक संगठित विरोध इस घटना के रूप में सामने आता है, और ये भी बताता है कि अगर ये ऐसी कोई घटना होगी तो उसकी राष्ट्रीय स्तर पर उसका विरोध होगा। और इसकी देखिए बड़ी इसके बाद एक के बाद एक घटनाएं होने लगती हैं, ऊना में होता है कुछ तो पूरे देश में विरोध होता है, डेल्टा मेघवाल की लाश बाड़मेर में एक राजस्थान में एक हॉस्टल में पाई जाती है तो उसके खिलाफ अगले ही दिन आप देखेंगे बेंगलोर में प्रोटेस्ट होने लगता है। तो अब ये कोई घटना एक गांव कस्बे या शहर की घटना नहीं, राष्ट्रीय घटनाएं बनने लगी हैं। इसका एक सबसे सघन रूप आप पाएंगे कि 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट के मामले में पूरे देश भर में दलित अगर संगठित होते हैं तो इसमें भी सोशल मीडिया की एक भूमिका रही है। तो ये जो एक और मामला जो बहुत महत्वपूर्ण है कि रोहित वेमुला ने मरने के पहले एक जो चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी भी अपने आप में इतनी दार्शनिकता थी, वो फिलोसफिकली वो इतने हायर प्लेन पर वो चिट्ठी थी कि देश भर के स्कॉलर्स को लगा कि ये एक बहुत बड़ा विद्वान इस देश ने खो दिया है, और दो मंत्रियों के हस्तक्षेप और इन तमाम वजहों से तो उसने गुस्सा भी जनरेट किया। तो ये और इसमें बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्ल सेगान की पत्नी अमेरिका से चिट्ठी लिखती हैं कि मुझे अफसोस है कि इतना बड़ा एक स्कॉलर बनता हुआ स्कॉलर बडिंग स्कॉलर को अपनी जान देनी पड़ी, और आपको दुनिया भर के स्कॉलर्स आप नोम चॉम्स्की से लेकर सारे लोग इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये बड़ी घटना बन जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होती है, और इस घटना ने ये भी बताया है कि विरोध जो है वो अब इतना अत्याचार हमेशा था लेकिन विरोध अब जो है वो होगा और ये राष्ट्रीय स्तर पर होगा। तो इसने एक तरह से दलित बहुजन आंदोलन को एक नए प्लेन पर पहुंचाया और सोशल मीडिया की इसमें भूमिका को भी एक तरह से अंडरलाइन किया। मुझे लगता है कि मैं आपको इस बारे में बता पाया हूँ कि दलित रोहित वेमुला की घटना राष्ट्रीय घटना के रूप में कैसे तब्दील होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों दिलीप मंडल की पाठशाला में शामिल होने के लिए।